पाकिस्तान के भाइयों एवं बहनों, चाचा एवं चाचियों, दादा एवं दादियों से आग्रह कि इस वीडियो को आप लोग ना देखें, नहीं तो आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगा। ये इस वीडियो को केवल हिंदुस्तान के जो देशभक्त लोग हैं भाई वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी करिए। एक मेरा पार्टनर था जो हमेशा एक साइड सुनाता था मजाक के तौर पर, काश मिल जाती सपने की शहजादी, नवाज शरीफ की बेटी से हो जाती हमारी शादी, कश्मीर के समस्या का हो जाता पूरा पूरा समाधान, दहेज में ले आते पूरा पूरा पाकिस्तान। आज हम लोग मैथ के बहुत अजूबा ट्रिक टेक्निक पढ़ने वाले हैं, इसका आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत डीप में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज हम, और नया नया ट्रिक के साथ में। देखिए ये वाला आपका क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेनस कर्ण, और इस कोण के लिए इसके सामने वाला लंब होगा। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कर्ण, और इसके सामने वाला इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये बच गया तो बेस। इसको लिखते हैं शॉर्ट में पी से, इसको बी से, इसको एच से। ठीक, अब आता है सबसे पहला फॉर्मूला हमारा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच। सर याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे हम लोग एक कहानी से। एक पाकिस्तान के आदमी गया एक सीधा आदमी से, पूछा कि भैया बताओ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कैसा रिलेशन है। तो बोला भैया सब जानता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेटा है। जानते हैं ना, अभी कमेंट करके बताएंगे आप जानते हैं कि नहीं। भैया बहुत से गुस्सा आया, ये गया एक चोर आदमी से, पूछा पाकिस्तान कैसा है। तो उसने कोसते हुए बोला बड़े हरामी हो बेटा। क्या? बड़े हरामी हो बेटा, बी बटा एच, बड़े हरामी। याद हो गया ना? चलिए, इसको और तकलीफ हुआ, ये गया और थोड़े एक आदमी के पास तन के पूछा, गुस्सा होकर पूछा कि भैया पाकिस्तान कैसा है। तो इन्होंने थोड़ा इज्जत के साथ में बोला, कैसे? पाकिस्तान बेवकूफ है। देखिए कितना इज्जत किया है, मन तन के बोला, फिर भी बोला इसने पाकिस्तान बेवकूफ है। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, भैया उसको बेवकूफ नहीं तो उसको क्या कहेंगे हम। ठीक, चलिए उसके बाद क्या हुआ, इस आदमी को बहुत चोट पहुंचा और गया और एक खटिया पे सो गया। कहां सो गया? खटिया पे, कॉट मतलब काट, मतलब खटिया। और भैया बड़ी उदास था, तब तक इसका एक फोन आ गया, इसके जानते किसके, इनके प्रेमिका के, कि हम आपको छोड़ के हम किसी और के साथ जा रहे हैं। ये आंटी जी इनकी प्रेमिका थी और छोड़ के जा रही है। देखिए आंटी जी बहुत सुंदर है, आहा कितना मेकअप की हुई आंटी जी, बहुत सुंदर है, इनको छोड़ के बहुत क्या कह, छोड़ हटाइए। अब ये भाई साहब छोड़ रही, तब ये बड़ी उदास है, साहब एकदम खटिया पे सोया हुआ है और गाना गा रहे हैं। जानते कौन गाना? बेवफा प्यार है, बेवफा प्यार है, बी बटा पी। याद हो गया होगा। अच्छा अब आते, आइए सुनाते आपको कुछ पाकिस्तान की हम फेमस गालियां। ना इश्क में मजा है, ना मजा है प्यार में, असली मजा तो है पाकिस्तान की हार में। ठीक, आइए सुनाते कुछ आपको पाकिस्तान का प्रसिद्ध गालियां। एक पाकिस्तान का आदमी खड़ा था एक जगह, उसको किसी ने कुछ चला के मार दिया, एक गेंद चला के। अब इसको चोट लगा, अब सेका गया, सेक, अब इसको सेक दिया किसी ने, अब ये गाली की मुंह बात कर रहा है कि कौन हरामी का बच्चा हमको सेका है। क्या बोला? कौन हरामी के बच्चा हमको सेका है। भैया इतना खतरनाक गाली मत दीजिए, तो हरामी का बच्चा एच बट्टा बी। याद हो गया होगा, जब भी सेकता है तो लोग क्या कहते हैं, हरामी का बच्चा। ठीक, चलिए अब अगला गया, थोड़ा दूर आगे बढ़ा, तब तक किसी ने गेंद चला के और कस के मारा, और भैया अब कस चोट लगा था, करा कौन सेका, कौन सेका, अब कोई नहीं बोला, तो करा कौन हरामी के पिल्ला हमको सेका है, हरामी का पिल्ला एच बटा पी। क्या करा है? कौन हरामी के पिल्ला हमको सेका है, तो बगल से आदमी मैंने कह रहा है तोर बाबू सेक लो। हुआ सातवां फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपल है, कोई 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 पूछे पाकिस्तान क्या बोलता है जब इंडिया से मैच खेलता है, तो कोए कोए बराबर 1। याद हो गया। चलिए अगला क्या है, आठवां, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
इसका नाम इसको सर याद कैसे रखेंगे? सचिन तेंदुलकर बराबर वन, ठीक। अब ये मत पूछिएगा सर कैसे सचिन माइनस तेंदुलकर बराबर वन कैसे होगा, ये तो ट्रिक है याद रखने के लिए ना। हाँ आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, हम अगले वीडियो में हम प्रूफ भी कर देंगे। अब यहां क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, और एक यही फॉर्मूला है जो रिक्शा वाला को भी याद है और आपको भी याद होगा। ये सबको इस सब को ये सबको याद होगा, आपको भी याद हो गया होगा ना, ठीक। हमारा अब दसवां फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हिंदुस्तान का स्क्वायर याद रखने के लिए बराबर पाकिस्तान का स्क्वायर प्लस ब्रिटेन का स्क्वायर, तब बराबरी कर पाएगा। और आप अकेले फूंक जाते हैं, इतना दिमाग है कि नहीं आपके पास।